तो हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। आज है बार बार रोज़ा और डायरेक्ट हम आपसे बात कर रहे हैं जोहर की नमाज़ के बाद, क्योंकि फजर की नमाज़ के टाइम पे थोड़ा मन नहीं कर रहा था मोबाइल उठाने का, तो सहरी की हमने यहीं पे नमाज़ पढ़े सो गए। आज मस्जिद भी नहीं गए थे सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए, मतलब समझ लीजिएगा शैतान धीरे धीरे पकड़ रहा है, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, इसीलिए थोड़ा मोबाइल देखना कम करो। तो एनीवे वो कल का जो ब्लॉग था ताल वाला, जो करताल वाला, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कल हम लोग गए थे वहाँ पे, मैं और मेरे फ्रेंड, और काफ़ी अच्छी जगह था वहाँ पे। 20 रुपये में टिकट है वहाँ पे, अंदर जाके आराम से बैठ के पिकनिक सब आप कर सकते हैं, शूट वूट जो भी करना हो। शायद शूटिंग का वहाँ पे अलग है चार्ज है, वहाँ पे शायद 500-1500 रुपये कुछ है। तो आई रिकमेंडेड कि सैटरडे संडे फैमिली को ले जाइए वहाँ पे, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, नेचुरल एनवायरनमेंट है, मतलब ऐसा कोई आर्टिफिशियल बना के नहीं, सब कुछ नेचुरल है वहाँ पे। तो आज का दिन है बार बार रोज़ा कंटिन्यू चल रहा है इंशाल्लाह, और सारे रोज़ा रखेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे टाइम से। तो अब देखते हैं क्या करना है, अभी करने के लिए कुछ है नहीं, माइंड पूरा डम है। बस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद, सोचते हैं क्या करना है। तो हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। तो फजर की नमाज़ पढ़ के आ चुके हैं, असर की नमाज़ पढ़ने के बाद जैसे आपको पता है कि मौलाना साहब बयान करते हैं, तो आज बयान में नमाज के साथ मसले मसले बताए थे, इसमें एक मसाल सातवा मसाइल मसला जो है बयान में बताए थे कि हम लोग दुआ ऐसे नहीं करना चाहिए हाथ जोड़ के, हाथ थोड़ा इसमें दोनों में गैप होना चाहिए, तो इस तरह से दुआ करना चाहिए। मुझे पता नहीं था, तो मैं भी पहले से हाथ जोड़ने से दुआ करता था, इस तरह से दुआ करना चाहिए क्या मौलाना साहब, तो यही थोड़ा बताना था आपको। तो मगरिब की असर की नमाज के बाद आप सोच रहा हूँ कि मस्जिद ही जाऊँ, मैं घर पे क्या बनाऊँ, मस्जिद चलते हैं। मस्जिद जाने से पहले अजान की मम्मी से बात हुई थी, अजान आज अजान के बारे में अपडेट दे रही थी कि अजान आज गया है ट्रेसिंग के लिए, क्योंकि 48 आवर के बाद उसको ड्रेसिंग करना होता है, तो ड्रेसिंग पे गए थे हम भी, हाथ दुआ करा थी कुछ होना, सब कुछ सही है, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया था, इंजेक्शन लगाने के लिए किसी को नहीं दिया था, बहुत ही मतलब परेशान कर रहा था सबको, डॉक्टर को मतलब सबको परेशान कर रहा था, तो जैसे तैसे उसे इंजेक्शन लग चुका है मतलब घाव सूखने के लिए, और बेचारा जब भी तकलीफ होता है मतलब खेलता कूदता तो मम्मी को याद करता है, जब भी कोई तकलीफ होती कोई डांटता टूटता है तो डैडी डैडी करता रहता है, उसकी बहुत याद आ रही, मुझे इतना याद आ रहा है, मैं क्या बताऊँ आपको, क्योंकि यार उसके बिना ना ज़िंदगी अधूरी है ऐसा लगता है, बहुत ही अजीब ज़िंदगी हो, जब मैं उसके साथ खेलता हूँ तो दिन भर के सारे टेंशन कम होता, मतलब एक जरिया है उससे थोड़ा अच्छा लगता है, रात को सोता है हम साथ में सोते हैं, और बोर होता है तो मेरे पास ही आता है, डैडी है पप्पू, हे पप्पू, हे पप्पू मतलब मोबाइल, पप्पू का मतलब है डैडी, है पप्पू मतलब मोबाइल, और रात को अगर शाम को जल्दी सो गया वो, तो रात को सुबह 3-4 बजे के आसपास उसे मोबाइल, मतलब मोबाइल में कुछ देखना है, देखने के बाद मुश्किल से 5-10 मिनट देखेगा, उसके बाद फिर सो जाएगा। आज हो गए 17-18 दिन हो गए गए हुए, नहीं फिलहाल अभी अजान सही है, और अभी घर आ चुका है, घर आके दुपहर सोया, मतलब अभी कुछ खा नहीं रहा है ना, किसी को मतलब अपना पेट छूने नहीं दे रहा है, और वीडियो में उसका शेयर करता हूँ, मगर मुझे लग रहा है कि वो वीडियो शेयर करना भी सही नहीं है, अजान में तो खत्म हो गया, इसलिए मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ, जितना ज़्यादा ज़्यादा खत्म हो चुका है, अच्छी तरह से हुआ है, डॉक्टर सर्जन थे उन्होंने कर दिया है, दुआ करिए उसके लिए भी, उसकी मम्मी के लिए भी, सबके लिए दुआ करिएगा। बस आगे चलते हैं।
हैं अब तारी का टाइम हो चुका है, मजे में चलते हैं या क्या आया हुआ है, क्योंकि वहीं से ज़्यादा इफ्तारी करने में मिलते हैं डायरेक्ट कहाँ पे इफ्तारी तो हाँ जी, तरा भी पढ़ के आ चुके हैं आज, बार बार रोज़ा भी मुकम्मल हुआ है, अल्लाह का शुक्र है, और आई होप आपका भी बार बार रोज़ा मुकम्मल हो चुका है। तो अब खाना खाने बैठे हैं, खाने में है तो आज यही है लास्ट ब्लॉग का, थोड़ा प्यार दीजिएगा, रोजे में गए थे आपके लिए बाहर, तो आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और सबके लिए दुआ करिएगा, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए, जितने मोहम्मद सबके लिए दुआ करिएगा। मिलते हैं कल सहरी पे, आज 12 रोज़ा हो गया, पता ही नहीं चला जगह चला, अभी स्टार्ट तो किया था, चाँद दिखाया था वीडियो में, दिन का समय का पता नहीं है, तो इसीलिए खूब दुआ मांगिए, अल्लाह से मांगिए, अल्लाह देगा, अल्लाह रहीम है, ज़रूर देगा। तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं कल।